Hello student, today we will study about magnetic field intensity due to a solenoid, long solenoid. Magnetic field intensity due to long solenoid. What is meaning of long solenoid? Means its length is much greater than its radius. जो solenoid उसे कहते solenoid क्या है? आप तीन से पढ़े होंगे फिल्म का देखो. It is a cylindrical tube. It is a cylindrical tube. With several turns of insulated copper wire. देखो ये आपकी solenoid है. This is solenoid. Student, इसको अगर इस तरह से हम लोग लें, ये तार लटके हुए हैं. यहां से हम सप्लाई करते हैं इसको. करेंट आपकी अगर इसमें इधर से जा रही है, करेंट आपकी ऐसे जा रही है. देखो ये करेंट आ रही है, करेंट ऐसे जा रही है, मतलब आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से चलती जाएगी. ये आपका साउथ पोल. अब देखो यहां ऐसे ये बन रहा है करेंट. यहां का डायरेक्शन ये है, करेंट ऐसे जा रही है. ये करेंट की डायरेक्शन इसमें. और यहां से आपका नॉर्थ पोल हो जाएगा. यहां करेंट आप देखिए, करेंट इसमें इधर को आएगा. तो अब यहां से आपकी वो निकलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, इधर से इधर करती है या इधर से निकलती है आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन. इसमें ये करेंट की डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे. और इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है करेंट की. इधर से जो हम देखते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, आप देखिए इस तरह से आपकी होंगी. इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म होती है. ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. और इसके जो बाहर मैग्नेटिक फील्ड होती है, आप देखो इसमें ऐसे मैग्नेटिक उधर को मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होंगी. और इसके बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इस तरह से होती है.
अंदर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ होगा, ये बाहर फ्रॉम साउथ नॉर्थ टू साउथ और अंदर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ड्यू टू सोलेनाइड होता है। इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है सोलेनाइड के अंदर वो लगभग एक समान होती है अगर लॉन्ग सोलेनाइड है तो, और बाहर जो जो दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो होगी वो दूर होती जाएंगी, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी घटती जाएगी। तो बाहर किसी बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी कम होती है। तो अब यहाँ हम लोग देखें वी हैव टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग सोलेनाइड। लॉन्ग सोलेनाइड मीन्स वेरी लार्ज सोलेनाइड, और यहाँ जो लॉन्ग सोलेनाइड की हम लोग कल्पना किए हैं वो ये है कि उसके रेडियस के रेस्पेक्ट में जो सोलेनाइड है उसकी लेंथ काफी ज्यादा है। ये है हम लोगों का। और एक चीज और, ये जो सोलेनाइड है सोलेनाइड एक्ट लाइक अ बार मैग्नेट। जो सोलेनाइड होता है ये कई करेंट कैरिंग लूप से मिलकर बना हुआ होता है। इसमें हर लूप जो होता है वो एक मतलब जितने भी लूप होते हैं सबका एडिशन हो जाता है करेंट। तो अगर एन लूप है तो करेंट जो हम लोग लेंगे वो एन आई करेंट लेंगे। अब देखो ये सोलेनाइड है, इस सोलेनाइड में हमने इनकी पॉइंट ले लिया, एक एक लूप बनाया इंडिविजुअल लूप ए बी सी डी। अब इसमें नंबर ऑफ टर्न्स फैक्टोरियल है लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल है। There is a large solenoid having a small n terms in per unit length. ABCD is an Abelian loop so magnetic field line integral of magnetic field integral BTL equal summation subtracted A to B BTL plus B to C BTL प्लस सी टू बी बी डी एल प्लस इंटीग्रल बी टू ए अन्य सबका जो समीशन होगा वो ए टू बी हमको ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस एम्पिरियल रूप से मिले। देखो यहां जो इंटीग्रल सी टू बी इंटीग्रल बी टू ए ये इक्वल जीरो होगा क्योंकि ये
90 डिग्री का एंगल फॉर्म करना है एंगल ऑफ डी एंगल। और ये जो है इंटीग्रल बी सी टू डी, यहां बी टू सी है, सी टू डी बी डी एल इक्वल जीरो सिंस सी डी इज फार अवे इन आउटसाइड ऑफ सॉलिड है। हमने आपको बताया कि लॉन्ग सॉलिड है तो इसके बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो वीक होती जाएगी। और अगर काफी लंबा सा लिनायर दिया जाए तो इससे काफी बाहर दूर किसी भी लिंक में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपको जीरो हो जाएगी। नेग्लेक्टेड हम कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो हम उसको जीरो मान सकते हैं। अब ये जीरो हो गया, तो ये तीन चीजें आपकी जीरो हो गई। अब देखो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो मिलेगा वो यही मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? So, integral BDL equal integral A to B BDL. मान लिया कि ए बी एल के बराबर है, इसकी लेंथ एल है। अब देखो इफ एल इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, देन नंबर ऑफ टर्न्स इन एल लेंथ इक्वल एल इन एल। अब टोटल करें इक्वल एल एल इन आई, बिकॉज एक लूप से बदली हुई करेंट आई है तो टोटल करेंट एल एल इंटू आई हो जाए। अब यहां इंटीग्रल बी डी एल इक्वल म्यू जीरो टाइम्स ऑफ टोटल करेंट अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट का म्यू जीरो एम एल आई। अब देखो यहां से बी डी एल आपका हो गया बी इंटू एल म्यू जीरो एल आई इंटू एल, एल कैंसिल हो जाता है और बी इक्वल म्यू जीरो एल आई। This is magnetic field intensity due to a long solenoid. आप समझो एक बार फिर सॉलिनॉइड हमने कहा कि ये सिलिंड्रिकल ट्यूब होता है जिसमें इंसुलेटेड कॉपर वायर मिलते हुए होंगे, इसे कई तरफ मिलते हुए होंगे। अब यहाँ हमको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है लॉन्ग सॉलिनॉइड के कारण। आप टेंथ में ही पढ़ चुके हो कि सॉलिनॉइड एक्स वाई के बारे में टेंथ में वीडियो में हमने डाला है, आप देख लीजिएगा वहां से। यहाँ भी हमने आपको बताया कि आप ये कैसे बार मैग्नेट है, एक मैग्नेट ये जो सॉलिनॉइड है इसके अंदर हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो यूनिफॉर्म होती है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर पैरेलल।
अब अगर लॉन्ग सारिंग ऐड है तो इसके बाहर अगर हम दो पॉइंट लेते हैं तो वहां कोई कंपोनेंट नहीं मिलता है, परपेंडिकुलर आपको नहीं मिलता है, और वहां तो बाहर होगा किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इतना वीक होती है कि उसको हम जीरो मान सकते हैं। अब हमने क्या किया कि ये ए बी ए बी सी डी ये रेक्टेंगुलर एम्पिरियल ग्रुप हमने माना, ले लिया एक एम्पिरियल ग्रुप, मान लो इसमें हम करेंट फ्लो करा रहे हैं, तो अब यहाँ जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स ये लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपका इंटीग्रल ए टू बी बी डी एल प्लस इंटीग्रल बी टू सी बी डी एल प्लस सी टू डी बी डी एल और बी टू ए बी डी एल। अब इसमें देखो ये परपेंडिकुलर हमें ये लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन दिस बी सी एंड बी ए बिकम्स जीरो। जो डी सी है इसका हर पॉइंट इस सोलेनोइड के बाहर और दूर है, इसलिए यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आपकी जीरो होगी। तो ये तीन छोर आपके जीरो हो गए, आपको जो नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो मैग्नेटिक फील्ड ए टू बी के कारण मिलेगी। अब मान लो ए बी एल लेंथ का है, हमने माना है कि जो सोलेनोइड है इसकी यूनिट लेंथ में स्मॉल एल टर्म्स है, तो एल लेंथ में कितने टर्म्स होंगे, स्मॉल एल इंटू एल हो जाएगा, ये स्मॉल एल एल आपको मिल जाएगा टर्म्स इन ये एल लेंथ। इससे टोटल करेंट कितनी बाउंडेड होगी, क्योंकि ये एन रूप से एक रूप में आई करेंट तो एन रूप में एम आई करते हैं और एल लेंथ है एम आई माने एन एल आई, ये टोटल करेंट इससे बाउंडेड होगी। अब इंटीग्रल बी डी एल जो होगा वो म्यू जीरो टाइम्स ऑफ नेट करेंट, तो म्यू जीरो एल एल आई ये मिला, और इंटीग्रल जब इसका लेंगे तो बी एल हो जाएगा, एल देखिए दोनों तरफ से कैंसिल हो जाता है इक्वल म्यू जीरो एन आई। अगर टोटल करें ये इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं बी पर म्यू जीरो कैपिटल एल आई अपान एल, वेयर एम नंबर ऑफ टर्म्स इन सारी नए और कैपिटल एल लेंथ ऑफ सारी नए, तो अब ये जो आपको मिल जाता है एन बाई एल ये एन बाई एल जो मिलता है ये स्मॉल एल के बराबर मिलता है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स पर यूनिट। तो ये रहा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सोलेनोइड, ड्यू टू लॉन्ग सोलेनोइड इट इज यूज ऑफ एम्पियर सर्किकल लॉ। तो स्टूडेंट ये पूछा जाता है, ये इसमें क्वेश्चन आ सकता है आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक में यह है डेरिवेशन, तो प्लीज राइट इट एंड लर्न इट। फॉर टुडे थैंक यू, हैव ए नाइस डे।